तो कब से माइनिंग करते करते मेरी चार पांच पिकेक्स टूट गई, लेकिन डायमंड अभी तक मिला नहीं। और मुझे शायद अभी टॉर्च लगाना चाहिए, यहाँ पे अंधेरा है। ओ भाई भाई, मिल गया यार, डायमंड मिल गया। ओ हे यान, हेलो बडीज, इट्स अतुल 06 हियर, और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने अपने आर्मर को अपग्रेड किया था, गोल्ड और आयरन का बनाया था, और अब हम माइनिंग को और एडवांस करेंगे, मतलब कि अब हम जाएंगे डायमंड को ढूंढने के लिए। तो डायमंड को माइन करने के लिए हमें चाहिए था आयरन पिकेक्स, जो कि हमने बना लिया है अब। तो डायमंड मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स कोऑर्डिनेट 12 पर मिलता है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ेंगे अपने माइन की ओर और जाएंगे सीधे कोऑर्डिनेट 12 पर। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, मैं एक्स कोऑर्डिनेट 12 पर सीधे माइन कर रहा था और मुझे कुछ दिखा, मतलब मिला। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ मैं, आपको विश्वास नहीं होगा वो क्या है, मतलब बहुत रेयर है माइनक्राफ्ट में। और शायद आप अभी सामने देख सकते हैं, वो एमरल्ड ओर है फ्रेंड्स, शायद मुझे पहली बार मिला, मतलब जब से मैं गेम खेल रहा हूँ आज तक मुझे मिला नहीं था यह ओर, मुझे भी मतलब पहली बार मिला, मतलब कितना खुश हूँ मैं यार, गजब। तो जल्दी से रास्ता बना रहा हूँ मैं, क्योंकि लावा में मैं गिरना नहीं चाहता, तो कोबलस्टोन से इसे बंद कर रहा हूँ इस रास्ते को। और शायद मैं अभी कोशिश करूँगा कि एमरल्ड ओर को ना लूँ, क्योंकि अभी मुझे डायमंड ढूंढना है। लेकिन हाँ, आपको इस ओर को मैं पास से दिखाऊंगा। तो फिर चलिए उस साइड बढ़ते हैं आगे, लेकिन अभी भी डर लग रहा है मुझे लावा से, लेकिन डरेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, तो फिर बढ़ते हैं यार, रुके क्यों है, जल्दी से बंद करते हैं इसे। यार ये लावा बहुत गर्म है, मुझे इसकी हीट महसूस हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ। तो यार यहाँ से बहुत डर लग रहा है, बाई चांस अगर मैं पीछे आ गया बिना देखे हुए तो फिर तो दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि मैं बंद ही कर देता हूँ सारे लावा को, जो नदी बह रहा है लावा का, इसे बंद कर देता हूँ। पता है अभी मुझे कुछ अजीब आवाज़ आ रही है गेम में, शायद उस साइड से आवाज़ आ रही है सामने से, तो चलते हैं पहले उधर देखते हैं है क्या। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रीम है, अच्छी बात है यहाँ पे एक जो वाटर का स्ट्रीम है, क्योंकि अगर मैं गलती से लावा में अभी गिर भी जाता हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ये स्ट्रीम। हेल्प क्या करेगा यार, मर ही जाऊँगा मैं उतने देर में। तो इस लावा को बंद करता हूँ, सामने स्टोन लगाता हूँ यहाँ पे। ओ गलती से यार वाटर के नीचे लग गया स्टोन, और जिसका डर था फिर वही नहीं हुआ, मैं बच गया, सामने पानी था। तो पहले ये जो छोटे छोटे लावा के जो बचे हुए जगह, इन्हें बंद करता हूँ मैं, डर लग रहा है बहुत। एक बार बंद हो जाएंगे ये लावा वाले जो छोटे छोटे जगह हैं, तो फिर मैं पूरी तरह से एकदम सेफ हो जाऊँगा। और अंधेरा था यहाँ पे, तो टॉर्च लगा लिया मैंने, और अब ये वाटर, तो इसे भी बंद कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ से वो वाटर निकल नहीं रहा, इसलिए बंद नहीं हुआ, तो आगे चलते हैं। तो हाँ, तो इस कॉबलस्टोन के बगल से निकल रहा है, तो पहले इधर भी लगाते हैं एक स्टोन, और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि है ऑब्सीडियन रॉक के बारे में। तो ये नीचे देख सकते हैं ब्लैक वाला स्टोन, इसे ही कहते हैं ऑब्सीडियन रॉक। और जब लावा पे वाटर आता है, मतलब डालते हैं हम, तो तभी बनता है ये ऑब्सीडियन रॉक, तो यही बात बताना था वैसे। तो इस पानी को बंद कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ ऑब्सीडियन। तो देख सकते हैं कितने सारे ऑब्सीडियन रॉक हैं नीचे, लेकिन इनको माइन करना बहुत ही हार्ड है। पहले तो एक मिनट यार, ये पानी तू बंद हो जाए यार, बढ़िया। हाँ, तो इन ऑब्सीडियन रॉक को माइन करने के लिए पहले हमें चाहिए डायमंड पिकेक्स, तो इसीलिए हमें डायमंड ढूंढना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एमरल्ड ओर दिख गया था, तो हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए। तो फिर पहले अभी सामने आवाज़ आ रही है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक और एमरल्ड ओर मिला हमें, सामने आपने देखा ही होगा अभी, ये रहा यहाँ सामने। यार लकी अच्छा है अपना। तो पहले इस लावा को बंद कर लूँ, बहुत डर लगता है मुझे लावा से, क्योंकि अभी मेरे पास फायर रेजिस्टेंस पोशन जो नहीं है। तो एक बार जब ये बन जाएगा तो फिर लावा से डर नहीं। लेकिन ये देखो यार, एक और इमरल्ड ओर, मतलब मज़ा ही आ गया। तो मैंने अभी अपने इमरल्ड ओर को छोड़ दिया है और मैंने वापस आ गया अपने माइन के पास, और अब मैं सीधे माइन करते हुए फिर वापस जाऊँगा उधर ही, क्योंकि मुझे भी चाहिए डायमंड।
तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा रास्ता और फिर मैं आके बाद में अपने इमरल्ड ओर को लूंगा। तो कब से माइनिंग करते करते मेरी 4-5 पिकेक्स टूट गई लेकिन डायमंड अभी तक मिला नहीं। और मुझे शायद अभी टॉर्च लगाना चाहिए, यहाँ पे अंधेरा है। ओ भाई भाई मिल गया यार, डायमंड मिल गया। तो फाइनली मुझे डायमंड मिल गया यार, मजा आ गया यार। देखते हैं टोटल कितने डायमंड है। तो जल्दी से अपने आयरन पिकेक्स को लेते हैं और इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे एक, वो भाई 3 यहाँ और है और पता ना पीछे कितने होंगे। और तो शायद मेरे पास अभी फुल हो गया है मेरा पूरा जगह, तो कुछ गिराना होगा मुझे। तो मैं इस मड को गिरा देता हूँ। सेट वहीं पे गिर गया वो और फिर से आ गया वापस। तो इसे जल्दी हटाना होगा मुझे। और यार डायमंड मिल गया यार, मुझे मतलब मज़ा ही आ गया। तो ये जो और डायमंड बचे हैं ले लेते हैं यार जल्दी से यार, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे भाई। इधर डायमंड ही डायमंड है यार, मतलब यार बहुत सारे डायमंड, ऊपर भी 4 और हैं, मतलब क्या यार मजा ही आ गया। तो अगर आप भी मेरे इस सेट के साथ खेल रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट जो ऊपर है उसे लिख लीजिए आप, इसी जगह मिलेगा आपको भी डायमंड। और वो एमरल्ड ओर वाला भी लिख लीजिएगा यार, मतलब पहले जल्दी जल्दी और देखते हैं, इधर डायमंड है तो ले लेते हैं जल्दी से। तो अब तो डायमंड दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, लालच बुरी भला है, तो वापस हम अपने घर चलते हैं। तो लगभग मैं अब ऊपर भी आ गया हूँ, अपने घर के पास जो बगल में केव था उसके पास ऊपर आ चुका हूँ। और मुझे भी भूख लगी है तो खाना खा लेता हूँ जल्दी से। और अभी मुझे जॉम्बीज की आवाज़ आ रही है तो शायद होंगे सामने। तो चलते हैं जल्दी से अपने घर, और शायद ये जॉम्बी मिलेगी यार, बोला था मैंने आवाज़ आ रही है। तो एक काम करते हैं इससे लड़ते हैं यार, पीछे से और भी आ रहे हैं। मर तू मर मर, ये स्प्लिट कंट्रोल्स दिक्कत देता है यार। मर मर मर, बढ़िया, अब शायद नहीं है। तो जल्दी से चलते अपने डायमंड को रखते हैं, और कुछ ओर्स मिले हैं आयरन के तो उसे भी फर्नेस में डाल के आयरन इंगट बना लेते हैं हम। तो मेरे भोले भाले कुत्ते यहाँ पे सामने बैठे हैं यार, लग रहा है इन्हें भूख लगी है, इनकी आवाज़ से लग रहा है शायद इन्हें भूख लगी है। तो मैं अभी इन्हें खाना नहीं दूंगा, जल्दी से पहले चलते हैं सामने। गेट बंद हो गया अब तो। मुझे शायद माइनिंग करने में कोल भी बहुत सारा मिल गया था तो लेने का काम नहीं है, तो फर्नेस में सीधे डालते हैं आयरन ओर को। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया गेम पर माइनिंग करने के लिए, मतलब डायमंड लेने के लिए। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। और अब गेम में और मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आगे बनाएंगे अब इंचैंटमेंट टेबल, नेदर पोर्टल और बहुत सारे नए चीज़ों को अब करेंगे। तो फिर थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ।